बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में शाम को 6 बजे होने वाली बैठक की अध्यक्षता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम मोदी करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि बैठक में उत्तर प्रदेश, आंध्र, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को 6 बजे होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। ऐसे में ये बैठक काफी ज्यादा अहम हो जाती है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में कुछ सीटें अभी ऐसी हैं जिस पर मंथन हो रहा है। तो आज शाम को जो ये बैठक होने वाली है, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक, जिसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, बैठक में जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और ऐसे में उम्मीदवारों पर मोहर लगेगी। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ओडिशा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि सीटों के बंटवारे पर दोनों दलों के बीच बात नहीं बन पाई है, जिसकी वजह से बीजेपी और बीजेडी ने अलग अलग लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया यह गया कि राज्य की 2 सीटों पर दोनों दल दावे कर रहे थे, दोनों ही आखिरी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए। तो बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन नहीं हुआ है, ये अब औपचारिक ऐलान हो चुका है। बीजेपी और बीजेडी लोकसभा चुनावों में अलग अलग लड़ेंगी, न सिर्फ लोकसभा चुनावों में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी, क्योंकि ओडिशा में लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन बीजेपी और बीजेडी की राहें अब अलग हो चुकी है, बात नहीं बन पाई है। तो सूत्रों के मुताबिक रणनीति के तहत सहमति बनी थी कि बीजेपी लोकसभा में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विधानसभा में बीजेडी को वरीयता दी जाएगी। अब देखिए, ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठा है, यानी कि अलग अलग राहें हैं। बीजेपी चाहती थी कि ओडिशा में 16 सीट, बीजेपी चाहती थी 16 सीटों पर उसके उम्मीदवार उतरे, वहीं बीजेडी 5 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन बीजेडी 11 से 12 सीट देना चाहती थी। आप इसको ऐसे देखिए, अब गठबंधन ना होने की पहली रार यहीं से सामने आती है, क्योंकि बीजेडी बीजेपी को 11 से 12 सीटों से ज्यादा नहीं देना चाहती थी। इसके बाद दूसरी और अंतिम रार बनी ओडिशा की वो 2 सीटें जिन पर दोनों ही पार्टियों में ठन गई। पहली सीट थी भुवनेश्वर, जिससे बीजेपी की अपराजिता सारंगी सांसद हैं, लेकिन बीजेडी भुवनेश्वर की जगह कटक सीट बीजेपी को देना चाहती थी। दूसरी सीट पुरी की है, यहाँ से बीजेडी के पिनाकी मिश्रा सांसद हैं। बीजेपी पुरी सीट को बीजेडी से छोड़ने के लिए कह रही थी। अब 2 सीटों पर यहाँ पर डील फाइनल नहीं हो पाई, ऐसे में अलग अलग राहें दोनों दलों ने पकड़ ली हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन समल ने ट्वीट करके राज्य की सभी 21 लोकसभा और 147 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट में ये लिखा कि 405 करोड़ ओडिशा वासियों की आशा, अभिलाषा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नेतृत्व में विकसित भारत तथा विकसित ओडिशा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा की सभी 21 सीटों और विधानसभा की सभी 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। तो अब अकेले लड़ने का औपचारिक ऐलान भी हुआ है।